हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज के इस वीडियो को टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं फेक केबीसी कॉल करने वालों की पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा, वो भी विद प्रूफ आपके सामने साबित करूंगा। दोस्तों, आपने केबीसी का रजिस्ट्रेशन हुआ तो लगभग ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसने केबीसी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो। उनमें से एक मैं भी हूं जिन्होंने केबीसी का रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हम केबीसी में जाएं और हजारों लाखों रुपए जीते और उससे ज्यादा हम अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिले, इसलिए हम सभी केबीसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। और लेकिन दोस्तों, उसके बाद कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें केबीसी के फेक कॉल आते हैं, लोगों से अकाउंट नंबर मांगा जाता है, उनके अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और उसमें से कई सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं और उनसे पैसे मांगकर उन्हें ठग लिया जाता है। और ऐसे में हम उन घटनाओं के बारे में सुनकर सोचते हैं कि यार लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कल के दिन ये मेरे खुद के साथ प्रैक्टिकल हो गया। मेरे खुद के पास एक केबीसी का फेक कॉल आया, जिसकी स्क्रीनशॉट की तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। दोस्तों, इस नंबर तक से मेरे पास कॉल आया और ये नंबर मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया है, क्योंकि एक फेक व्यक्ति का कॉल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके नंबर दिखाए जाने में। तो दोस्तों, इस नंबर से डायरेक्ट मेरे पास एक वॉइस कॉल आया और उसने मुझे बताया कि आप केबीसी के विनर चुने गए हैं और 25 लाख का विनिंग अमाउंट आपने जीता है, जो कि सीधे आपके अकाउंट में आपको दिया जाएगा आज की डेट में। और फिर उन्होंने मुझे अपने हाई ऑफिसर का, जो कि उनका बड़ा अधिकारी था, उसके नंबर दिए और वहीं पे मेरा जो कोड नंबर था जिससे मेरी लकी ड्रॉप निकली थी वो मुझे भेजा गया और मुझे बताया गया कि जो कि आपका नंबर है, फोन नंबर, वो की चुना गया है पूरे भारतवर्ष में मोदी सरकार और केबीसी यानी अमिताभ बच्चन द्वारा विनर नंबर, और उस पर आपको 25 लाख रुपए का इनाम मिला है। तो ऐसे में एक बार तो मैं भी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि दोस्तों जो कि उनका कॉल आता है उस पे एकदम प्रोफाइल लगी हुई होती है, वो केबीसी की होती है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति, कोई दोराय नहीं है कि कोई भी इस पे काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फर्स्ट टाइम तो मैं भी एकदम एक्साइटेड हो गया, लेकिन सेकंड टाइम जब उन्होंने अपने हाई ऑफिसर का नंबर दिया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कॉल कीजिए और बताइए अपने कोड के बारे में। तो मैंने सोचा कि ट्राई करना चाहिए, तो मैंने उनके हाई ऑफिसर जिन्होंने अपना नाम अरुण वर्मा कहा था कि अरुण वर्मा को कॉल कीजिए और उन्हें अपना कोड नंबर बताइए। तो मैंने ऐसा किया, मैंने भी सोचा कि देखना तो चाहिए आखिरकार माजरा क्या है। तो ऐसे मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे सीधे बोला कि अपना अकाउंट नंबर और अपना नाम मुझे भेज दीजिए, वो भी व्हाट्सएप पे। तब मैंने उन्हें कहा कि आप व्हाट्सएप कॉल क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है और कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप व्हाट्सएप पर काम नहीं कर पाता है। तो ऐसे में मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारा जो पूरा जो सॉफ्टवेयर है वह व्हाट्सएप के थ्रू ही काम करता है, कि व्हाट्सएप से हम सभी से बात करते हैं, लकी ड्रॉप निकालते हैं, व्हाट्सएप नंबरों की ही लकी ड्रॉप निकालते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि मैं किसी प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि आप वीडियो कॉल पर आ जाइए, और उसने वीडियो कॉल तक की, लेकिन दोस्तों मैं उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि व्हाट्सएप पर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप चलता नहीं है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। ऐसे में उसने अपनी थोड़ी सी ऑफिस दिखाई और अपना आईडी कार्ड तक मुझे दिखाया, लेकिन फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि ये फ्रॉड है, क्योंकि कोई भी व्हाट्सएप के थ्रू हमें 25 लाख का इनाम तो शायद ही देगा दोस्तों। और वहीं पे उसके बाद भी उसने मुझे कई बार कॉल्स किए, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कितनी बार उसकी मेरे पास कॉल आई है, वीडियो कॉल आई है, वॉइस कॉल आई है। तो उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं मान सकता कि मैं किसी प्रोफेशनल से बात कर रहा हूं, आप मुझे कोई प्रूफ दीजिए तो मैं मानने को तैयार हूंगा और अपना अकाउंट नंबर भेज भी दूंगा, और शायद वो मुझे प्रूफ देता तो मैं भेज भी देता, क्योंकि क्या पता 25 लाख का इनाम ही मिल जाए। तो ऐसे में उसने मुझे एक वीडियो भेजा और उस वीडियो को देखकर मैं साफ साफ पता चल गया कि एक क्रोमा पर बनाया गया वीडियो है, क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति एडिटिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं उनके लिए तो पहचानना आसान होता है, लेकिन जो इस सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए तो वह एकदम गोल्डन चांस अभी दोस्तों है। वह सोचते कि टीवी पर हमारा नाम आया, हमारा नंबर आया, वाकई में ये तो कोई रियल केबीसी वाला है। तो ऐसे में मैं तो उसको पहचान गया, लेकिन किसी भी हर व्यक्ति के लिए उसे पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों मैं उस वीडियो को तो नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर मैं उस वीडियो को आपके इस वीडियो में डालता हूं तो वो मेरे पे स्ट्राइक लगा सकता है मेरे चैनल पर। तो ऐसे में वीडियो नहीं डाला, मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाला, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसका वीडियो आता है, जिसमें मेरा नंबर भी दिखाया गया है, लेकिन उसको मैंने ब्लर कर दिया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वीडियो हमारे सामने आता है। तो ऐसे में जब उसने मुझे किया तो मैं पूरी तरह समझ गया कि एक फ्रॉड है। उसके बाद उसने मुझे एक वॉइस मैसेज भी भेजा, उसके बाद तो मैं बिल्कुल समझ गया कि यार कोई 25 लाख रुपए देने के लिए बार बार मुझे कॉल, वॉइस कॉल तो नहीं करेगा। तो ऐसे में आप उसकी वॉइस कॉल भी सुन सकते हैं दोस्तों। अभी अगर लॉटरी लेना है तो आकाश वर्मा से फौरी संपर्क करिए, अगर नहीं लेना तो आप अपना लॉटरी छोड़ सकते हैं सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
अगर लॉटरी लेना तो आकाश वर्मा का भी फौरी सैंपल लगा लीजिएगा, वो आपका वेट कर रहे हैं। बाद में उसने इसे डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया, लेकिन मैंने हाथों हाथ उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसलिए मैं आज आपको ये सुना पा रहा हूँ और किसी को सेंड भी कर दिया था, इसलिए मेरे पास सेव हो गया। तो ऐसे में दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आपके पास भी कोई अगर ऐसा कॉल आता है केबीसी का, केबीसी फ्रॉड का, तो उसे बिल्कुल भी अपना अकाउंट नंबर या कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दे अपने बारे में। मैंने तो इनकी काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट लिए, जो कि इनकी वॉइस आई थी वो भी मैंने आपको सुनाई कि किस प्रकार से इनकी वॉइस हम मुझे भेजी कि आप अपना केबीसी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपना केबीसी नंबर फिर से दे सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें अकाउंट नंबर नहीं दिया। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप सभी को जागरूक कर दिया जाए इन लोगों के प्रति। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस नहीं डालता हूं। दोस्तों ये वीडियोस खाली सभी लोगों को जागरूक करने के लिए था। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैला दो, ताकि इन फ्रॉड लोगों को पता लग सके कि अब कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। और इस वीडियो को इतना फैला दो, अपने हर दोस्तों के पास भेजो कि उनके पास भी अगर ऐसे फेक लोगों का कॉल आए तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिले, क्योंकि अब कोई भी बेवकूफ़ नहीं बनने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इसके साथ आप भी सावधान रहें, ऐसे कोई भी फेक कॉल को अपने अकाउंट नंबर या फिर अपनी जानकारी ना दें। थैंक यू दोस्तों।